जी दोस्तों आ गए हम हांगकांग एयरपोर्ट। देख लीजिए आप दोस्तों, हांगकांग में जो हांगकांग का फ़ोन दुबई में मिलता है ना, सेम प्राइस में यहाँ पे डुअल सिम। जी दोस्तों वी आर फाइनली जापान में आ गया, सब क्लियर हो गया। जी फ्रेंड्स, ये 1080 जापानीज येन की मेरी है टिकट, सिर्फ होटल के पास जाने तक की। सो वेंडिंग मशीन से निकाला है मैंने पोकारी स्वेट, सस्ता लग रहा है यार, ये जापान का है, दुबई में बहुत महंगा है ये। आप एक गाइस, मैं आ गया हूँ हॉस्टल में, उन्होंने कार्ड दिया है, अब हम इसको स्कैन करेंगे यहाँ से, नाइस, खुद बखुद चेक इन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अभी दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ से अभी टोक्यो, अभी हांगकांग जा रहा हूँ, हांगकांग से टोक्यो, और वहाँ पहुँच के आपको फिर बाकी डिटेल बताता हूँ। कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट है, बहुत बड़ा प्लेन है, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको प्रेफर किया नेपाल एयरलाइन की वजह से, वो भी जाती है बट मुझे लगा ये ज़्यादा कम्फर्टेबल होगी, जो कि अभी तक इट्स लुक गुड। सो इंशाल्लाह लग रहे हैं खैर कैसे पहुँचें, 4 घंटे 50 मिनट में पहले हांगकांग जाएंगे, फिर वहाँ 2 घंटे का ले ओवर, और फिर वहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह टोक्यो, वो भी 4 घंटे की फ्लाइट है। चलो खैर, सफ़र है तो क्या करें, चलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह। दोस्तों खाना दिया है, अभी देखिए जा रहे हैं हांगकांग कहते पैसिफिक से, खाना दिया है और बोल रही है हलाल है, लेकिन मुझे डाउट है हलाल में कैसे लिखा होगा, राइस खा लें ताकि कोई डाउट ना रहे, लग गया भी है लेकिन ना हो तो मसला हो जाएगा। जी दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं हांगकांग पहुंच गए और अभी हम आ गए हैं काठमांडू से हांगकांग। हांगकांग का वीज़ा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप आ गए हम हांगकांग एयरपोर्ट। देख लीजिए आप, मैं बाहर तो नहीं जा रहा हांगकांग एयरपोर्ट से, चाइना है पूरा यार, ये चाइना टेरिटरी, बट यहाँ से जापान हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ट्रांसफ़र। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल दोबारा होता है प्रॉपर कनेक्शन फ्लाइट में भी। सो अभी जा रहे हैं गेट की तरफ और इनके भी गेट्स बने हुए हैं, लाउंजेस बने हुए हैं। वैसे मेरे पास HSBC का कार्ड है जो कि हांगकांग का ही है, हांगकांग बैंक, हांगकांग हांगकांग है यार, वाई भी और है। चलो फिर कभी लेंगे इसका वीज़ा और बाहर आएंगे, अभी तो चलते हैं जापान की तरफ, हमने जाना है जापान। हांगकांग मकाओ, आई मीन हांगकांग मकाओ, मकाओ की फेरी लिखी हुई थी, आई डोंट नो मकाओ में है ये कहाँ है, ये रहा शहर, माउंटेन्स के पास है यार हांगकांग, ज़बरदस्त है, एयरपोर्ट भी अच्छा है बहुत, हांगकांग का ज़बरदस्त है यार। मेरे पास टाइम है, मैं फिर किसी लाउंज में ही आधा पौना घंटा बैठ के कुछ खा लूँ। प्लेन में भी हलाल फूड नहीं था, सो अभी मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, फ्लाइट मेरी 8:45 पे है, सो लाउंज वैसे पीछे देखा एक मैंने, लाउंज चलता हूँ और लाउंज में जाके देखते हैं कि क्या खा सकते हैं। हांगकांग अच्छा है यार, इम्प्रेशन इज़ गुड, नाम सुना है हांगकांग का। जी दोस्तों, बहुत सारे लाउंजेज हैं हांगकांग में, एमिरेट्स का भी लाउंज है यार, चेक करो, चेस फायर लाउंज, एमिरेट्स लाउंज, प्लाजा प्रीमियम, एयर होटल, शावर मसाज, देखते हैं मेरा कार्ड कहाँ चलता है।
HSBC है मेरा, पता नहीं उनका कोई अलग ही लाउंज ना हो, देखते हैं। एमिरेट्स वाला तो बंद है जी। दोस्तों मेरा कार्ड चल गया, अब कुछ खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लेट्स सी समथिंग, वहाँ पे भी है कुछ खाने के लिए, ट्राई करते हैं। यार HSBC का कार्ड हर जगह चलता है यार, ज़बरदस्त लाउंज का मज़ा दिया उसने। चेक करो दोस्तों, सब कुछ है, मफिन्स, क्रॉसॉन, एवरीथिंग, फ्रूट। भाई ध्यान से ही खाना पड़ेगा, सीरियल्स ले लेता हूँ। जी दोस्तों कुछ ले आए हैं, बस थोड़ी पेट पूजा हो जाए। योगर्ट है, बनाना है, सब वो चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट नहीं करेंगी। अभी वैसे टाइम है मेरी फ्लाइट में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिस टाइम पे भी होगी स्टार्ट। दोस्तों हांगकांग में जो हांगकांग का फ़ोन दुबई में मिलता है ना सेम प्राइस में, यहाँ पे डुअल सिम, हांगकांग में डुअल सिम आता है और वो सेम दुबई की प्राइस में मिल रहा है आईफोन। वैसे ही मैंने कहा चेक कर लूँ, ये पे वो रहा मेरा गेट, शुक्र है अभी 45 मिनट्स हैं। मैंने रिस्क नहीं लिया यार, क्योंकि हम एक थर्ड कंट्री में खड़े और हमारी फ़्लाइट आगे की है, तो कभी भी ऐसी कंट्रीज़ में रिस्क ना लें, तो फिर टिकट कराओ फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जी दोस्तों ये लोग गर्म पानी पीते हैं, आप देखिए हर जगह हॉट ड्रिंकिंग वाटर। वॉशरूम चलते हैं यार, अभी वैसे मेरा गेट खुला नहीं है थैंक गॉड। 8:45 की है मेरी फ्लाइट, हाँ टोक्यो हनीडा दिस वन, या टोक्यो वाले डिपोर्ट बहुत करते हैं इसलिए। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, कैसे हम सब? यार मैं पहुंच गया हूँ टोक्यो अल्हम्दुलिल्लाह, जापान, आई एम एक्साइटेड। अब सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो जाए यार, उसकी थोड़ी स्ट्रेस है, लोग डराते बहुत हैं, तो सब क्लियर हो जाए तो फिर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हाउ इट गोज। जापान जापान है यार। दोस्तों वॉशरूम चेक करो, जापान का सब मशीनें हैं यार, हर चीज़ मशीन है, धोएगा भी मशीन, सब कुछ ही मशीन है, वाटर भी वहीं से। यार फाइनली जापान में आ गया, सब क्लियर हो गया, अभी बाहर आ गया हूँ। अब देखते हैं जापान रेल का पास लेते हैं, ताकि मैंने जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में देखा है वो लेते हैं। आप मुझे देख सकते हैं मैं एकदम फुल नींद में हूँ, वो खुद समझ नहीं आ रही। मैंने वैसे एक कमरा बुक कर लिया, मैं जा रहा हूँ भाई। टोक्यो में तो बहुत महंगे होटल हैं, बहुत सारे महंगे होटल हैं, तो मैंने अभी एक डॉर्मेट्री कह लो आप, लेकिन होटल के अंदर ही है, मतलब प्राइवेट रूम टाइप है। सो चलते हैं यहाँ से JL का पास ले लूँ, तो क्या बोल रहा हूँ यार नींद में, JR का पास ले लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। अब फिर थोड़ा फ्रेश होते हैं, रूम में जाकर सोता हूँ यार 2-3 दिन। दोस्तों बड़ा ही रश है यार। अच्छा आपने कभी भी आना ना जापान रेल का पास ले लेना, उसी पास के अंदर मैं टोक्यो से ओसाका, क्योटो हर जगह जा सकता हूँ। सो उसके अलावा आपने सोचने नहीं है, ये खर्चा आपको करना पड़ना, जापान रेल की टिकट लेनी पड़नी है। सो मैं ले रहा हूँ जापान रेल, देखते हैं जापान रेल की टिकट का क्या सीन है। ये है जापान रेल सर्विस स्टेशन, पास नॉट स्टार्टेड इन सेल्फी का, यहाँ से लेते हैं जापान रेल। जी दोस्तों ये एक वीक का भी है, मैंने एक वीक का ले लिया है, तो मुझे आगे ट्रैवल करना, आपको दिखाता हूँ। ये है, आप लोग भी जूम करके वीडियो को यहाँ पे स्टिल करके देख लेना, मैंने आज से ही चालू कर लिया,
तो आप लोग देख सकते हो कितने का मिल रहा है। मेरा है 52,960। जी दोस्तों, मनी एक्सचेंज आया हूँ पैसे तोड़वाने। मैंने $1,000 ले लिए थे, वो चेंज करवाने आया हूँ। ATM भी है, वहाँ भी जा सकता हूँ, बट जब डॉलर्स पड़े हैं तो क्यों ना उससे जापानीज ले लूँ। यार जापान तो बहुत ही महंगा है यार, मैं दुबई रहता हूँ तो मुझे इतना महंगा लग रहा है। तो कोई इंडिया पाकिस्तान से आएगा तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जापान रेल डॉक्टर यात्री की वीडियो देख के मैं चला गया लेने। यार वो 900 दरहम का है, वो सिर्फ उस तरह फ़ायदे में अगर आपने बहुत दूर दूर जाना है जापान रेल पे। तो मुझे खुद कह रही थी अगर तुमने सिर्फ 3-4 जगह पे जाना है या घूमना है तो तुम नॉर्मल टिकट बाय कर लो, वो चीप पड़ेगी तुम्हें। तो भाई नहीं लिया जापान रेल का पास, अभी बस नॉर्मल टिकट बाय करूँगा। मिल गए $200 के 28,000 ये नोट से करो। चलो अब चलते हैं ट्रेन की टिकट खरीदते हैं। ट्रेन की टिकट खरीदते हैं, साथ बहुत सारे ठीपे दे दिए हैं यार, छोटे छोटे ठीपे। वो आगे से ट्रेन का पास लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये 1,080 जापानीज येन की मिली है टिकट, सिर्फ होटल के पास जाने तक की। अन्यवा महंगा है भाई, जापान बहुत महंगा है। अभी चलते हैं JR की तरफ। हाँ, JR लाइन में ही जाना है। यहाँ से वो स्टेशन पे रुकूँगा मैं। बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स हैं यार, बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स, क्या बात है। फ्रेश जूस यार, 500 पॉइंट डाल के फ्रेश जूस पीते हैं, इट्स अ गुड आइडिया। छोटे छोटे ठीपे दे दिए जो उसने। देखो यार सेफ्टी है, अभी आएगी ट्रेन। तो वेंडिंग मशीन से निकाला है मैंने पोकारी स्वेट, सस्ता लग रहा है यार, ये जापान का है, दुबई में बहुत महंगा है ये। 170 जापानीज येन का मिला, देखते हैं कितना बनता है अभी। ये वो स्टॉप है जहाँ पे मैं उतरा हूँ, और शुक्र एक बंदे ने मुझे बता दिया वो ट्रेन वापस चलेगी टर्मिनल 3 पे। तो यहाँ से मैं अपना होटल देखता हूँ किधर है, होटल की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा मेट्रो सिस्टम है यार, एकदम कमाल है। नीचे चलते हैं। हाँ मैम, हे गाइस, मैं आ गया हूँ हॉस्टल में, उन्होंने कार्ड दिया है, अब हम इसको स्कैन करेंगे यहाँ से। नाइस, खुद ब खुद चेक इन हो जाएगा। हाँ ओके नाइस। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट जापानीज़ रेजिडेंट प्लीज ओपन योर पासपोर्ट टू द पेज विद योर फोटोग्राफ ऑन इट। अब दोस्तों करके आपको बताता हूँ। दोस्तों हॉस्टल बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, साफ सुथरा है और बहुत अफोर्डेबल भी है, बिकॉज होटल बहुत महंगे आ रहे थे। Yeah, please. Okay. Yeah. It's okay. Interesting. So okay. Here is some rules about okay. Hostels. Rules about hostels. Yeah. Okay. Here is the Wi-Fi password. And also the check. मैं ये देख लूँ, फिर आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। भाई मेरे रूम का नंबर है 315C। रूम तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, वॉशरूम अलग बने हुए हैं, वॉशरूम हैं, शावर रूम हैं, क्लीन है, साफ है यार। 315C किधर होगा, 311 तो इसके अंदर है आई बिलीव। चलो मैं देखता हूँ। ये लॉकर रूम है मेरा रूम यार, ये अलग रूम्स बने हुए हैं हॉस्टल में। ये पड़ा है मुझे 143 दरहम का। अब देखते हैं इसको एक्सटेंड करना कल के नहीं।